नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आटा की बर्फी, जो खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी, और बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे बहुत ही कम घी से बनाया है और देखने में बहुत ही सुंदर है। तो कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे तो जल्दी से बना लीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, जो हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। तो मैंने 2 छोटे चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है और 1 कप हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और इसे भी डाल दिया है। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे, और जब तक हम इसे भूनते रहेंगे जब तक कि इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और देखें, इस तरह से चलाते रहना है, गुलटियाँ नहीं पड़नी चाहिए। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ज़्यादा कलर हमें चेंज नहीं करना है। और फिर से हम इसमें 1 छोटे चम्मच घी और डाल देंगे और इस तरह से मिलाकर अच्छे से भून लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। तो इस तरह से ही आटा हम भूंज कर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फिर से एक कढ़ाई ली है और इसमें 1/2 कप चीनी डाली है और उसी कप के नाप से मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी। आंच को मीडियम ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। और इस तरह से जब चाशनी में उबाल आने लगे, तो हमें इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इस तरह से जब उबाल आने लगे चाशनी में, तो जो आटा हमने भून कर रखा है इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुलटे ना पड़ पाए। और साथ में हमने यहाँ पे 1/2 कप दूध का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने डाल दिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा दूध हम इसमें और डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखें, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी बहुत ही सूखा दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा दूध हम इसमें और डाल देते हैं। आप इसमें इलायची का पाउडर या रोज एसेंस, जो भी आपके पास हो तो डाल सकते हैं। और इसे अब हम थोड़ा थोड़ा घी डालकर अच्छे से भूनेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम इसे धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे। और इस तरह से चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और ये बहुत ही सूखा और बिखरा बिखरा दिखाई देने लगेगा। तो ये भूंजकर तैयार है और देखें, कढ़ाई में हल्का सा घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसे इतना ही पकाएंगे और निकाल लेंगे। अब मैंने बर्फी जमाने के लिए यहाँ पे एक टिन लिया है। आप कोई भी प्लेट या थाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बर्फी को जमाने में। और मैंने इस पे तेल लगा लिया था चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से चिकना करेंगे। चारों तरफ से हमें इसे अच्छे से चिकना करना है। और 1 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और बर्फी 1 घंटे बाद देखेंगे कि बढ़िया से सेट हो जाएगी। तो हम इसके किनारों पर चाकू से निकाल लेंगे और इसे पलट देंगे। अगर आपको लगे कि बर्फी हमारी सेट नहीं हुई है, तो आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। पर फ्रिज में रखने से पहले आप इसे ढक दीजिए, फिर फ्रिज में रखिए। आप चाहें तो बर्फी के ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद से लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे चांदी का बर्क ले लिया है और इसे लगा दिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चौकोर पीस में इसे कट कर रही हूँ और देखें, बहुत ही बढ़िया कट कर तैयार हो गई है। मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ।